आप सभी को प्रणाम। मैं ट्रैफिक योगी अर्थात सुदीप आप सभी के सामने एक छोटा सा विषय लेकर आया हूँ, शाइको इम्यूनिटी। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी करुणा मेंबर्स का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि साइको इम्यूनिटी के पहले एक इम्यूनिटी शब्द आता है, तो हम सभी जानते हैं कि एक बॉडी के लिए इम्यूनिटी के बारे में अभी इस समय का जो परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति में सभी जानते हैं कि बॉडी के लिए इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि साइको इम्यूनिटी मतलब अर्थात कि अगर मानसिक स्तर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा है अर्थात आपका साइको इम्यूनिटी बहुत अच्छा है। तो आइए हम अब चर्चा करेंगे साइको इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, क्या करते हैं। अभी मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं, मैं अपना अनुभव ही शेयर करूंगा कि मैं अपने साइको इम्यूनिटी के लिए क्या करता हूं। तो मैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूं, मेडिटेशन करता हूं, ध्यान करता हूं। ध्यान के बाद मैं अपना रनिंग करते हुए इस ओर आ जाता हूं, इस प्रकृति की छाया में। और इसके बाद घर पहुंचते हुए साथ ही मैं अपना एक्सरसाइज करता हूं, योग व्यायाम प्राणायाम करता हूं। अगर आपने प्राणायाम के बारे में समझना है कैसे साइको इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो आप आदरणीय डॉक्टर कामता सर के पूर्व में दिए गए वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अब इस क्रिया के बाद मैं फिर जप करता हूँ, मंत्र चैंटिंग करता हूँ, ओम का ध्यान करता हूँ, ओम उच्चारण करता हूँ। ये सब चीज़ें हमारे साइको इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं कुछ बुक्स वगैरह उठाता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। तो अगर आपको स्वाध्याय के बारे में समझना है तो पूर्व के वीडियो में यह दिया हुआ है, आदरणीय डॉक्टर संतोष सर ने इसका बहुत अच्छा सा विवरण दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हम क्या करते हैं। स्वाध्याय करता हूँ, अच्छा नॉवेल पढ़ता हूँ, मोटिवेशन वीडियो देखता हूँ, तो ये सब चीज़ें हमारे साइको इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्तर को बढ़ाता है। हाँ, आप एक चीज़ और करें, एक चीज़ ये ना करें, क्या नहीं करना है, न्यूज़ चैनल जो है वो ना देखिए, क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ, सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करता हूँ, व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ वो भी बहुत कम। अपना समय, इस समय जो आपको मिला है बहुत अच्छा समय मिला, अगर आप इसका बहुत अच्छा सदुपयोग करते हैं तो आपको बहुत आगे चल के बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस समय मैं अपनी कमजोरियों पर ध्यान दे रहा हूँ कि मेरी क्या क्या कमजोरियाँ हैं, उसे मैं कैसे अच्छा से अच्छा बना दूँ, एक अच्छे लेवल में लेके जाऊँ कमजोरियाँ हटाकर अपने स्तर को। तो मैं इस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ। इवनिंग होती है तो इवनिंग में फिर एक्सरसाइज करता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ कुछ। तो कुछ ना कुछ आप अच्छा करने का प्रयास करिए, कुछ नया करने का प्रयास करिए कि आप क्या कर सकते हैं। अपने आपके फैमिली, अपनी फैमिली को थोड़ा समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ चर्चा करिए, इससे क्या संबंध भी बढ़ते हैं और समस्या भी हल होती है। और मैं इवनिंग में थोड़ा सा मेडिटेशन फिर करता हूँ, नादयोग करता हूँ, देन शाम को मैं अपना टहलता हूँ, स्वाध्याय फिर करता हूँ, कुछ घर की फैमिली के साथ चर्चाएं करता हूँ, स्वाध्याय को लेकर भी बात करता हूँ। इसके बाद मैं रात में जल्दी से जल्दी खाना खा लेता हूँ, 7 से 8 बजे के बीच। उसके बाद भोजन बहुत अच्छा करना चाहिए, हल्का भोजन ले, स्वस्थ रहे जिसमें वैसा भोजन ले। और अपना मानसिक स्तर बढ़ाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है मेडिटेशन। मैं सोने से पहले मेडिटेशन भी फिर करता हूँ। मेडिटेशन बहुत सारे होते हैं, प्रकृति के मेडिटेशन होते हैं, जैसे कि साउंड, आप प्रकृति के यहाँ आसपास जो साउंड हो रहा है उसको सुन सकते हैं। इसी प्रकार कुछ YouTube में आपको मेडिटेशन मिल जाएंगे, रिलैक्सेशन मेडिटेशन मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं, योग निंद्रा है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने दैनिक दिनचर्या अपने आपको बांट रखा है कि साइको इम्यूनिटी के लिए क्या कर सकता हूँ, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको करना पड़ेगा। देखिए, इतना अच्छा समय है जो है वो आपके लिए आया है, ये समझ जाइए आपके लिए आया है,
आपको बस करना है, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी